हरे कृष्णा, जिस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य जी हैं और देवों में श्रेष्ठ देवादेव महादेव हैं, इसी प्रकार साल की जितनी भी तिथियां उसमें श्रेष्ठ एकादशी की तिथि है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा, हे कुंती पुत्रो, जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवत धाम में निवास करता है, किंतु जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता और एकादशी के दिन अन्न खाता है वह निश्चित रूप से पाप खाता है। यह बात सुनकर के भीमसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, हे जनार्दन, मैं तो खाने पीने वाला आदमी हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं हर महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन का व्रत नहीं कर सकता। कृपया मुझे इस पाप से बचने का और भगवत धाम में जाने का कोई मार्ग बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती, हर महीने व्रत नहीं पालन कर सकते, तो तुम साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत का पालन करो। ये व्रत पालन करने से तुम्हें सारे एकादशी व्रत का फल मिल जाएगा और तुम सिर्फ एक ही निर्जला एकादशी व्रत करने से बहुत दाम की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सभी को यह एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरि बोल।